ता जगूं जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है तेरे संग संग राह सारी कट जानी है जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है तेरे संग संग राह सारी कट जानी है मैं ता तेरे नाल रहना मन इना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना
उस जमीन पे चांद की जोड़ी है, बुरी है बड़ी बुरी है, दुनिया की नियत छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू। बना ले मुझको, तुझको बलाओं से बचा लूं, है धूप ये जमाना, उसकी बूंद है तू, पलकों की छाँव में छुपा लूं। ओ गोरी है ये मेरी थ्योरी है, कि ये तेरी मेरी लीड में स्टोरी है, सॉरी है खुद सॉरी है जो बीच अपने दूरी है, नजर ना लग जाए थॉट ये तड़पाए सानू, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये तड़पाए सानू। जो आज हम मिस्टर और मिसेस कोतला के 25th एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करने आए हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी इस सिल्वर जुबली में आप सब एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से उनको विश कर देते हैं अ वेरी की तरफ से उनको अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, और आज हम सब साथ मिलके बहुत सारी खुशियां बांटने वाले हैं, तो आप सब उसके लिए भी तैयार रहिए। उनके लिए नटखट मगर दिल के सच्चे होते हैं, नटखट मगर दिल के सच्चे होते हैं, स्वर्ग है वह जिस घर में बच्चे होते हैं। तो को भी प्रोग्राम देखना है जो बच्चों ने प्रिपेयर किया है। रह टाबर हा था लोगा ना समझ नहीं की क्यान खेल लो, रोज की रोज काई ना काई नुकसान करके रख देवा, किसी दिन खिड़की तोड़ देवा तो किसी दिन की हड्डी तोड़ देवा, ध्यान से खेला करो रे टाबरा, ओ था को काई नहीं हो सको, खेलते कूदते और हमेशा मस्ती करते हुए। आज भी जब हम बच्चे 50 साल बाद शेलगांव जाते हैं तो इनके मस्ती भरे किस्से सुनकर थक जाते हैं। आइए देखते हैं झलक मुन्ना के बचपन की। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हाँ हम जैसे देखे ये जहाँ है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नया दिख रहा, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। माँ हर चीज में सिंसियर और सबसे होशियार, ऐसी कोई कला नहीं जो माँ को नानी जी ने सिखाई नहीं। माँ ने कुकिंग से लेकर गार्डनिंग तक खुद को हर चीज में परफेक्ट बनाया है। आज भी सबको घर में पता होता है कैसे अगर हॉल में थोड़ी सी भी धूल बैठ जाए कहीं पर तो माँ कैसे चिढ़ जाती है। माँ
जरूर जहाँ भी जाती थी, जो भी कंपटीशन में पार्ट लेती थी, जीत कर ही लौटती थी। दुलारी दादी नानी की सबसे फेवरेट बनकर, सबके लाड प्यार के साथ, भाई बहनों के साथ खेल मौज कर कर माँ हंसती खेलती हुई इतनी खूबसूरती से अपना बचपन गुजारा है कि हम देखते फूले न समाए। देखते ही देखते माँ का बचपन कब गुजर गया और माँ कब इतनी बड़ी हो गई और मियां के ब्याह की बातें होने लग गई, यह तो कभी घर वालों को पता ही न चला। वहीं पर दूसरी ओर इतने खेल कूद और मस्ती में हमेशा दंग रहने वाले पापा सीए फाउंडेशन में EIR 22 लाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में सीए बने। जैसे ही ये सीए बने और कमाने लग गए तो इनके भी ब्याह की बातें होने लगी। जरूरत है सख्त जरूरत है, जरूरत है जरूरत है जरूरत है, एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है, एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। वक्त गुजरता गया और दोनों के लिए रिश्ते देखने की शुरुआत हुई।
और भगवान ने इन्हें आपस में मिलाया। शिवाजी नगर से घर तक कितने हॉस्पिटल हैं? ऐसे कुछ प्रश्न पूछकर पापा ने तो माँ को हैरान ही कर दिया था। पर आइए देखते हैं इनका मिलन कैसे हुआ। क्या मुझे चल कर दो अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन हाय रे दिल में है मिलकर क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। से हाँ का इंतजार था। जैसे ही हाँ हुई शुरू हो गया माँ और पापा के जिंदगी का सफर। देखते हैं इनकी सगाई कैसे हुई। परफॉर्मेंस में आप जोरदार तालियां करते हैं बच्चों के लिए और हमारे आज के कपल के लिए जो वहां सिर्फ खुशी से मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे ये सच में ये सब हो के गया है इनकी जिंदगी से और मुझे लगता है आप सभी की जिंदगी से भी हो के गया होगा। बट आज जो बच्चों ने दर्शाया है इनकी आंखों में पानी तो आया ही होगा, तो जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए जो इन्होंने इतना अच्छा किया है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उन लोगों को स्टेज पे कि और ज्यादा हम इस महफिल को केक कटिंग के साथ बढ़ाएं, तो आप लोग आइए और हमारी इस महफिल की शान बढ़ाइए। तो जोरदार तालियां कीजिए इन लोगों के आने के लिए। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल पर है चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है,
बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दुनिया की सारी खुशी आपके दामन में हो, फूलों की खुशबू आपके सांसों में हो, चांद सितारों की रौनक आपके आंखों में हो, और इस पल की तरह हर पल आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में हो। कभी ना हाथ छोड़ो और हरदम साथ रहो। अब इसको चांस मिलेगा, आप शुरुआत कीजिए। एकदम सही है, वो लाइफ कुछ भी एकदम सही है। उनके नेचर के बारे में, उनके साथ के बारे में, इस घर के बारे में जहाँ आप आए हो, इतने 25 साल बिताए हैं। चलो बताइए, आपके बच्चों के बारे में, सब किसी के भी बारे में आप बोल सकते हैं। बहुत सुंदर रहे 25 साल। पिछले 25 सालों में अगर पीछे जाकर देखें तो एक सपनों की दुनिया थी। एक लड़की से पत्नी, पत्नी से बहू, बहू से माँ किस तरह बनी और किस तरह इससे आगे निकल पड़ी, ये कुछ समझ ही नहीं पड़ा। एक मिरेकल, एक सपना ही महसूस होता है। आज भी पीछे मुड़ो तो समझ ही नहीं पड़ता है 25 साल कैसे गुजर गए। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट शुरुआत कीजिए, मैम को कंटिन्यू कीजिए और बताइए। मुझे लगता ये सब आयोजन देखने के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऐसी मेरी पर्सनल राय। मैं खुद को इतना भाग्यशाली समझता हूँ, जमीन से आसमान तक जिसने मेरे को यहाँ तक लाके छोड़ी वो मेरे बाजू में खड़ी है। जो बच्ची जिसके जीत के वजह से आज का ये प्रोग्राम हुआ वो भी आपके सामने खड़ी है। आजा साक्षी, आजा सामने। और जो बच्चा जिसने पिछले 8 दिन से दिन रात मेहनत करके आपके सामने ये पीपीटी प्रेजेंट कर रहा है या वीडियो प्रेजेंट कर रहा है, ऐसी पूरी फैमिली होने के बाद मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज की जरूरत रहेगी। और वैसे भी जब शादी हुई तब तो हमने शुरुआत की थी, आप सब ये सब चीज के विटनेस है कि तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन दैट इज हैपन ड्यू टू द ओनली वन। हर चीज में, हर पोजीशन में, हर समय में शी इज बिहाइंड मी। इंस्टेड ऑफ बिहाइंड बोलने के बजाय बिहाइंड थोड़ा सा पुराना हो गया, शी इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मी, विथ मी एंड ऑलवेज विथ मी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है। और बच्चों के लिए और एक बार, सही में मेरे को तो ऐसा 2 मिनट के लिए आंखों में पानी आ गया था कि यार बच्चों का क्या प्रेजेंटेशन है, मतलब उनकी क्या स्टडी है। मैं ऐसे बोलते रहूंगा तो मेरे को क्या है, लेक्चरर की आदत है तो 45 मिनट बोलूंगा, तो उसके लिए मैं रुक जाता हूं और आगे का माइक वापस से देता हूं। जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। संग तेरे पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।
सकूं मैं तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम बैठे अपनी अपनी तैयारी में पूरी जोश से भरे हुए, लेकर चले बारात अपनी। जैसी धूम
जैसे जीजा को साली पसंद होती है, वैसे हर महफिल में ताली पसंद होती है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। लो चली में
भी सच दच लगती है खाए तो नचने भी सच दच लगती है खाए तो नचने भी सच दच लगती है खाए तो नचने भी सच दच लगती है खाए। आज सजे आए वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजे आए वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवते मनो ज्योतिर्लोकरामा यस्य बृहद्वादिर्दद्यामिमन्तान् परिणञ्जदनग्गो समिमं दधातु विश्वे देवास्तह्यमादयन्त ॐ प्रतिष्ठ सावधान शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्याललम्बोदरेण मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि सावधान सावधान राजाभीम करुक्मिणी सनयनी पुत्र वडिलता सिपुसने पुर्या सदा मंगलं वधुवर्यो शुभं भवतु ये दूर का ग्रे वरमोक्तिगाङ्करतले आं सर्वाङ्गो तावले गोपास्त्री सदा मङ्गलं वधूर्यो शुभं भवतु सावधा जय अम्बे जय कुलस्वामिनी मनोमि तुजला यावे या सोडुनी आशीर्वाद असो भवतु सावधान। हाँ अब सावध हो जाओ सावधान इस शब्द का अर्थ होता है कि अब सावध हो जाओ पर अभी समय नहीं है 25 साल बीत गए ये नए पिंड राजा के लिए होता है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा दान सावधान आरावलं चंद्रबलं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव
लक्ष्मी पते ते मनराजपरावे शुभमुहूर्त लक्ष्मी नारायण चिंतन सा अंतरपटादि सावचित्त सुमुहूर्त वराड़ी सावचित्त अभी भी सावध हो सकते हैं पर वाजन त्री सावचित्त माला पहना है माला भाभी जी माला पहना है तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई आज से तेरा गम मेरा हो गया ओ तेरे कांधे का जो तिल है ओ तेरे सीने में जो दिल है ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समर पल दिल के पास तुम रहती हो पल
नहीं तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़हरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान यहाँ भरता है दुर्गा माता जी का मेला। मैं तोतला जी की बहू, नितिन जी की भाभी, अर्चना जी की जेठानी, राजेंद्र जी की पत्नी, सौ पूजा तोतला। ये इंट्रोडक्शन इसलिए है कि काफी साल हो गए, 20 साल हो गए मैंने जानना छोड़े हुए। बहुत लोग हैं कि मैंने पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, अभी देखा ही नहीं, इसलिए मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। तोतला जी की बहू, इनकी भाभी, इनकी जेठानी, राजेंद्र जी की पत्नी, मैं हूँ पूजा उर्फ शीतल तोतला, जानना में शीतल ज़्यादा पहचानते हैं। सुनो सुनो, कुछ बात है पुरानी। मुश्किलों से घिरा था हमारा परिवार सारा, मुश्किलों से घिरा था हमारा परिवार सारा। बड़ी माँ, बाबा जी, मम्मी जी, पापा जी, इनके संस्कार, विश्वास और मेहनत से बच्चों का जीवन सवर गया सारा, और इन्हीं के आशीर्वाद से हम सब आज का दिन मना रहे हैं, प्यार भरा प्यार भरा। परिवार में बहू और भाभी का तो मिला बड़ा सम्मान, परिवार में बहू और भाभी का तो मिला बड़ा सम्मान, मगर देवर और ननंद की शादी में मजा करने का अधूरा रह गया था मेरा अरमान, जो आज पूरा हुआ। देवर और ननंद की शादी में मजा करने का अधूरा रह गया था अरमान। फैमिली में हम दोनों हैं बड़े, फैमिली में हम दोनों हैं बड़े, ये मेरे राजा, मैं इनकी रानी। चलो शुरू से देखते हैं नितिन जी और अर्चना की कहानी। आपको तो पता ही है मेरा देवर स्मार्ट सीए, बड़ा ही होशियार है भला।
देवरानी बड़ी प्यारी, खिली खिली हंसी और चेहरा था खिला खिला, बहुत खिला खिला था। एक दूसरे को देखते ही दोनों का दिल जबरदस्त मिला, फिर क्या कहने, एक अच्छा सा दिन और दिन की प्यारी सी भोर। नितिन जी और अर्चना की बंद गई एक दूसरे से पक्की वाली डोर। बस शादी में मुझे छोड़ के किया मजा और मचाया खूब सारा शोर। सच में तभी ना रिजिड फैमिली बोलो या कुछ नहीं, बट मैं अकेली भाभी थी, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया था, इसलिए आज सब ले रहे हो। उसके बाद उनकी जीवन में आई प्यारी सी साक्षी और श्रीनिवास। वो दिन तो हमारे परिवार और इन दोनों की जिंदगी के बड़े ही थे खास। संसार और परिवार के साथ साथ दोनों अध्यात्म से जुड़े, संसार और परिवार के साथ साथ दोनों अध्यात्म से जुड़े, समाज और सामाजिक कार्य के लिए दिल से आगे बढ़े। सबके लिए कोई ना मिले, जालना में या कहीं भी, समाज में सबके लिए कोई ना मिले तो अर्चना नितिन तोतला को पाओगे खड़े। इन दिनों में भी आई कठिनाइयां हुई अगर मगर, इन दिनों में भी आई कठिनाइयां हुई अगर मगर, मगर उन सब पर मात कर आज तक का तय किया प्यारा सा सफर। आप दोनों के संसार की ऐसी ही बजी रहे प्यारी सी शहनाई, आप दोनों के संसार की ऐसी ही बजी रहे प्यारी सी शहनाई, आप दोनों के दब दो तप हुए हैं पूरे, आप दोनों के सफलतापूर्वक दो तप हुए हैं पूरे, आपको हम सब तोतला परिवार की ओर से, आपको हम सब तोतला परिवार की ओर से खूब आशीष, ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अभी मैं बोलता हूँ, अपनों का प्यार क्या कहना, नितिन जी तोतला और सौभाग्यवती अर्चना तोतला अपने वैवाहिक जीवन के 25 वसंत पूर्ण कर रहे हैं और इसका बड़ा शानदार उत्सव उनके बालक तथा प्रियजन, पारिवारिक जन और मित्र परिवार सब मिलकर के मना रहे हैं। मैं भी मानसिक रूप से उसमें सहभागी हूँ। इन दोनों ने अपने जीवन में समाज सेवा के नए नए आयाम हम लोगों के सम्मुख रखे हैं, लायंस के माध्यम से हो, गीता परिवार के माध्यम से हो, अथवा याद करूं तो अभी कोविड में उन्होंने जिस प्रकार समाज की सेवा अभूतपूर्व की है वह तो सभी लोगों को ध्यान में होगी ही। इसी प्रकार की समाज सेवा, माता पिता की सेवा और सबको साथ में लेकर के उनको चलने का जो अभ्यास हुआ है, Hey!
हमेशा प्रसन्न रहती है और जो अपने किसी भी जिम्मेदारी को निभाने से कभी भी नहीं चूकते, ऐसे आप जीजी और हमेशा सबके लिए एक मजबूत सहारा बनके घर में ही नहीं बल्कि सारे समाज को जो हमेशा प्रभावित करते हुए रहते हैं, ऐसे आप जिया जी, आप दोनों हमारे लिए एक मिसाल हो, एक ऐसा मजबूत सहारा हो जिनके ऊपर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। आज आपके शादी के वर्षगांठ पे ढेरों बधाइयों के साथ साथ कुछ पंक्तियां लिखी है। आज आपके शादी के वर्षगांठ की शाम है, जिन दोनों से जुड़े हुए हम सभी के अरमान हैं। 24 साल पहले शुरू हुआ ये सफर, ये कहानी कुछ खास है और ये साथ हमेशा यूं ही बना रहे, यही ईश्वर का फरमान है। दो छोटे भाइयों की बहन बनना जिम्मेदारी का काम है, पर हाँ, अपने बल पर अपनी काबिलियत से सीए बनना भी आम नहीं है। आप दोनों में कई लाजवाब खूबियां हैं, आप दोनों तो लाजवाब खूबियों की खान हैं, पर हम सब जानते हैं साक्षी श्री में बसती आपकी जान है। आज हम आपके साथ नहीं हैं, पर दिल से दिल की बात वही है, हम सब यूं ही जुड़े रहे और आप हमेशा आबाद रहे। ईश्वर से आज इस खास मौके पर यही दिल से अरदास है। एक बार फिर से आप दोनों को शादी के सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।
और चली भी गई कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से ये दुआ है मेरी रब से। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए।
में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर पे।